आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं और ये नाम हैं संजय सिंह, कांग्रेस के पूर्व नेता सुशील गुप्ता व जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट एनडी गुप्ता। इनके नाम आते ही सियासी गलियारों में बहस तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता के नाम पर लोग हैरानी जता रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि इन बाहरी लोगों को किस आधार पर उच्च सदन में भेजने की तैयारी हो रही है। हालांकि नीलकांत बख्शी के ट्विटर हैंडल से खबर मिली है कि एनडी गुप्ता और सुशील गुप्ता ने राज्यसभा जाने के लिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 50-50 करोड़ का भुगतान किया है। नीलकांत बख्शी ने अपने ट्विटर अकाउंट के इंट्रो में बताया है कि वे पेकोलेबल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के एमडी हैं और दिल्ली भाजपा के लिए पीआर का काम करते हैं। लिहाजा आप नेतृत्व पर दबाव बन गया है कि इन दोनों नामों पर पुनर्विचार किया जाए। यह संभव है कि पीएससी की बैठक में जिन दो नामों पर सहमति बनी है वे कोई और भी हो सकते हैं। वहीं पूर्व आम आदमी पार्टी के विधायक कपिल मिश्रा ने भी ट्विटर पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में दो चेयर की फोटो डाली गई है जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है, गुप्ता जी बेचने के लिए दो कुर्सियां। आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा उम्मीदवारों के तौर पर संजय सिंह, सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता को नामित किया। संजय सिंह पार्टी संगठन के समय से ही उससे जुड़े हुए हैं। सुशील गुप्ता दिल्ली के कारोबारी हैं और एनडी गुप्ता एक जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट।